सो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, दिस इज एवी इंडियन ए के ए अभिषेक। तो आई होप आप सारे लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे होंगे, मस्त चिल मार रहे होंगे। सो, हम आ चुके हैं देहरादून और इस वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। ये वीडियो को मैंने दो टॉपिक में डिवाइड किया है, एक ही वीडियो को। फर्स्ट टॉपिक ये है कि आप यहाँ पे बजट में स्टे कैसे कर सकते हो, एंड द सेकेंड इज़ कि यहाँ पे आप फ्री में स्टे कैसे कर सकते हो। बजट में स्टे कैसे आप सुकून यहाँ पा सकते हो, अगर आप वर्किंग हो तो ये प्लेस आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। सो बात कर लेते हैं कि जहाँ पे हम रुके हुए हैं इसको एक्चुअली में कहते क्या हैं। तो इसे कहते हैं हॉस्टल। ये सुन के पक्का आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कॉलेज का हॉस्टल है, ठीक है, बट रियलिटी ये है कि ये कॉलेज का हॉस्टल नहीं है, ना कि कोई होटल है ये, ना कि कोई मोटेल है ये, ना कि कोई धर्मशाला है। ये है बैकपैकर हॉस्टल। हॉस्टल इंडिया में 1945 में आया था, आज़ादी के पहले ही आ चुका था, शिमला में पहली बार खुला था, एंड और वर्ल्ड में तो उसके पहले आया था 99 में आई थिंक, कोई रिचर्ड नाम का था व्यक्ति जिसने इसकी खोज की थी। उसके बाद फिर ये जर्मनी से यूरोप में फैला, यूरोप से फिर यूएसए में, फिर ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ही फैलता गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे फैलता गया। सो इसे हम बैकपैकर हॉस्टल कहते हैं। हम चलते हैं यहाँ के एम्प्लॉय से पूछते हैं, दर्शन भैया से, कि एग्जैक्टली में हॉस्टल होता क्या है। हॉस्टल ठहरने की ऐसी जगह जहाँ पे बैकपैकर सोलो ट्रैवलर्स रुक सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं और वो अगले दिन उनके कुछ टेक्स वगैरह हो, प्लान्स हो ट्रैवलिंग के, होकर परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोग हॉस्टल को घर से दूर एज अ वर्केशन भी देखते हैं। ओ वाओ, एंड गोस्ट स्टॉप्स क्या है? गोस्ट स्टॉप एक हॉस्टल फ्रेंचाइजी है, नॉट अ फ्रेंचाइजी, इट इज़ एक्चुअली अ चेन। ओके, जहाँ पे गोस्ट स्टॉप्स 32 जगहों पे पैन इंडिया प्रेजेंट है राइट नाउ। ओके, एंड इट इज एक्चुअली अ बैकपैकर्स एंड सोलो ट्रैवलर्स हॉस्टल फॉर यूथ। ओके ओके, बट यहाँ पे कुछ फैमिलीज भी रुक सकते हैं, बट फैमिलीज में भी क्राइटेरियाज है, जो अंडर 18 किड्स है वो यहाँ पे नहीं ठहर सकते एज पर पॉलिसी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ की मिस कर दी, कि हम लोग साथ में ही थे तो मैम आई हुई थी यहाँ पे, मैं उनसे इंटरेक्शन किया, वो मेरे से बात की, बट मैं उनके साथ एक फ़ोटो लेना भूल गया, लिटरली यार मैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हॉस्टल इज़ कि आपको रिवर और वैली का व्यू दोनों साथ में मिलेगा। आप ऐसे अपने बालकनी में आओगे तो सामने आपको रिवर जाती हुई दिखेगी और सामने वैली। मैं इसी वैली की बात कर रहा हूँ, ये पूरी वो देखो ऊपर से, ये देखो सबसे महंगे से स्टार्ट करते हैं जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है। इसकी स्टार्टिंग है 3500 to 4000। गेस कर सकते हो आप कौन सा होने वाला है ये। यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन मिलते हैं, चार ऑप्शन। एक आपको कॉटेज मिलेगा, एक डोम मिलेगा, एक प्राइवेट रूम और एक डॉर्मेट्री। तो हम डोम की बात कर रहे हैं, डोम की प्राइस जिसकी 3500 to 4000 वैरी करती है, और वीकेंड में कभी कभी 4500 to 5000 तक चली जाती है।
पे आप बैठ के, अगर आप कपल्स हैं तो आप वहाँ बैठिए, ये यहाँ बैठेंगे, दैट्स इट। सो ये दिस वाज द व्यू। और ये सब क्या चाहिए और नेचर में आपको। मैं अंदर जाके हाई करता बट फिर बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ जाती है हमें। और ये रहा कॉटेज। सो ये आपका रहा वॉकिंग स्पेस, लाइक यहाँ पे पढ़ सकते हो, वैसे कोई पढ़ता है नहीं। और ये आपका एसी, ये आपका रूम, एंड ये आपका व्यू। प्राइस स्टार्टिंग है 3000 to 4000, ठीक है। सो हमने महंगे महंगे तो कवर कर लिए, लाइक जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे, अगर नहीं बताया तो फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे चार हैं। पहला डोम है, फिर प्राइवेट रूम है, फिर कॉटेज है, और फिर डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री भी दो टाइप की हैं, एक मिक्स्ड है और एक फीमेल है, फीमेल डॉर्मेट्री, उसमें बस फीमेल रहेंगी, और मिक्स में मेल फीमेल दोनों रह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी तो बात हो गई कपल्स वाली, जो कि महंगे महंगे थे। ओके, अब हम लोग कहाँ रहेंगे, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक था कि बजट में हम कहाँ रहेंगे, तो हम चलिए वो दिखाते हैं आपको। सो ये है हमारी डॉर्मेट्री, जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 500 to 800 रुपीज़। सो ये आपको बंक बेड मिलता है, लाइक ये आपका बंक बेड है, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 डॉर्मेट्री, 6 बंक बेड होते हैं एक में। और ये मेरा पहले से रखा हुआ था, मैं यहाँ पर आके गया था। सो ये आपको लाइट मिलती है यहाँ पे, एक हीटिंग लाइट और ये रखने के लिए, और वो आपका फ़ैन, एसी तो होता ही इसमें, और वाईफाई है, यहाँ से आप व्यू ले सकते हो। सो ये तो कॉमन एरिया हो गया, और ये हो गया व्यू यहाँ का। ये तो आपको सामान रखने के लिए, जो भी स्टफ है आपके, इसमें लॉक कर दो। और ये तो मेरा वाला तो ऐसा नहीं था, मुझे इसका ये पसंद आया वॉल। और ये एक बार फिर मैं हाई कर दूँ, हाई कर दिया मैंने, और इसको तो पानी बर्बाद नहीं करना है। तो ये आपका कॉमन एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, लाइक ये आपको पर्सनल फ्रीज मिलता है, आपको पर्सनल फ्रीज नहीं, लाइक यहाँ पे सब लोग सबका अपना अपना सामान रखते हैं। सो ये है, ये पीने का मन कर रहा है मुझे, बट पता नहीं किसका रखा हुआ है। माइक्रोवेव है, इसमें खाना गर्म कर सकते हो, पानी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बुक्स से आप पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ध्यान में रखो, ड्रग्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर। ये पूरे वुडन के बने हुए हैं। और ये है यहाँ का बेस्ट पार्ट, जहाँ तक मुझे भी लगता है कि यहाँ पे आप बैठो और मूवीज़ देखो यहाँ पे, और आपको साउंड बार भी मिलता है, तो आप उसमें गाने बजा सकते हो। अब चलते हैं प्राइवेट रूम की तरफ। ये यहाँ का प्राइवेट रूम है, इसमें आप अपने कीमती सामान रख सकते हो। ये यहाँ का वॉशरूम, यहाँ का वॉशरूम, ये आपको टॉवल मिलता है यहाँ पे, और कुछ तो नहीं मिलता। एंड ये है रूम, लाइक वहाँ की तरह यहाँ भी, वो वाह, यहाँ पढ़ सकते हो आप, वैसे पढ़ते तो नहीं है, मैं पहले बता, साथ आपको अपनी बालकनी मिलती है ये। लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको थोड़ा जानना पड़ेगा आपको, अगर आप आ रहे हो तो सब कुछ बताना ज़रूरी है। सो कौन से यहाँ पर, ये है कि आप जैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले आते हो यहाँ पे, तो आपका अगर आपका जियो का नेटवर्क है और या फिर एयरटेल का नेटवर्क है, तो यूँ गायब हो जाएगा यूँ। अगर आपके पास आइडिया है और वोडाफोन है तो वो स्मूथ चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक उसका भी सोल्यूशन है यहाँ पे, आपको फ्री में कम्प्लीमेंट्री वाईफाई मिलता है। तो रहने का, कनेक्शंस का, यहाँ पहुँचने का सब कुछ बता दिया, बट एक चीज़ रह गई है, वो है यहाँ पे खाना खाने का। लाइक मैंने पहले ही बता गया, थोड़ा शीन है यहाँ खाना खाने का, लाइक आपको खाना ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लाइक यहाँ पे रेडी टू ईट फूड मिलेंगे। और जस्ट ये है सामने गो स्टॉप्स, ये गो स्टॉप्स है,
और वहाँ पे आप अपनी कार पार्किंग करोगे, फिर वहाँ से वॉक करते हुए आओगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे अंदर चले जाओगे और इसके जस्ट बगल में ये छोटी सी टपरी है चाय की, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अंडर वन रूफ, लाइक सब कुछ। और ये अंकल हैं जहाँ पे मैं 15 डेज से खाना खा रहा हूँ, थैंक यू अंकल। और यहाँ पे चाय वगैरह आपको, अगर आपको खाना खाना है तो आपको प्री में ऑर्डर देना पड़ेगा लाइक 4-5 बजे, तो वो खाना बना के रात के लिए अपने रख देंगे। तो यही सब है इनका सेटअप। अंकल आंटी दोनों लोग मिलकर चलाते हैं, बट फ़िलहाल आंटी तो यहाँ पे नहीं है। सो खाना ठीक होता है, लाइक ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी हाई नहीं है इस चीज़ को लेकर। और अगर आपको यहाँ नहीं खाना है तो आगे एक छोटे मोटे ढाबे हैं और इधर भी हैं कुछ, तो आप वहाँ भी खा सकते हो, लाइक यहाँ एक बार टेस्ट कर लो, अगर यहाँ अच्छा नहीं लगा तो आप आगे खा सकते हो। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो चलते हैं इस वीडियो के सेकेंड टॉपिक पे, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक टॉपिक ये है कि मैं इस जगह पर 15 डेज से स्टे फ्री कैसे कर रहा हूँ और आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ को। लाइक मैं आई एम हियर एज अ वॉलंटियर, मेरा काम ये है कि इंटरेक्टिंग विद द गेस्ट, एक्टिविटीज़ कराना लाइक लाइव म्यूज़िक करोके एंड बॉन्ड फायर, ये सब चीज़ें जिससे वो लोग इंगेज रहें, उनका मेरा बस यही एक्चुअली काम है। और उन्हें उनके साथ घूमना लाइक लोकल गाइड उनका, और फिर उनको लोकल फूड के बारे में बताना, उन्हें आसपास की चीज़ें दिखाना, यही मेरा एक्चुअली में काम है। तो मेरा जो वर्किंग हार्स रहता है इसमें, तो ये लाइक 11 से 2 होता है, तो उसमें हमको रिसेप्शन एरिया पे रहना पड़ता है। तो वहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं उनसे इंट्रैक्शन करना पड़ता है, उन्हें जो ज़रूरत है चीज़ें जो मेरे बस में है बताना, जो मेरा काम है वो सब उन्हें बताना है। और फिर रात में 8 से 10 जो कि मूवी वगैरह देखना उनके साथ, लाइक प्रोजेक्टर वगैरह यहाँ पर रहते हैं तो उनके साथ मूवी वगैरह देखना, या फिर बॉन फायर, या फिर करोके, या फिर लाइव म्यूज़िक, कुछ भी करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि ऑक्यूपेंसी कितनी है, कितने लोग हैं, तो वो ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे क्या मिल रहा है इस चीज़ से, मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है फ़र्स्ट ऑफ ऑल, नए नए लोगों से डेली मिलने का मौका मिल रहा है और कोई डर नहीं किसी। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, वो है आपको यहाँ पे जो फूड होगा आपका रिमबर्स हो जाएगा, लाइक 15 डेज का स्टे है आपका तो 3,750 रुपीज़ है, और अगर आपका 1 मंथ का स्टे तो आपको 7,750 रुपीज़ ऐसे मिलते हैं, लाइक डेली के 250 रुपीज़ मिलते हैं, वो फूड रिमबर्स हो जाता है लास्ट में आपके, जबकि ट्रिप ख़त्म होती है पूरी 15 डेज की या 1 मंथ की। और आपको एक वॉलंटियर का सर्टिफिकेट मिलता है गोस्ट ऑप्स की तरफ से, एंड क्या मिलता है, एंड स्टे फ्री सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टे का तो मेन सीन है। और अगर बीच में आप कोई गलती करते हो या फिर मैनेजर आपकी कंप्लेन करता है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपकी वो सारा पैसा खुद भरना पड़ेगा, लाइक पूरी डॉर्मेट्री का सारा पैसा अपने से भरना पड़ेगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ये सब देख के रहना, देख के सब कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना, उन्हें हार्म गाइडलाइंस को हार्म मत करना, नहीं तो वो तुम्हें हार्म कर देंगे। बात कर लेते हैं कि हम कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं और मुझे इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। फॉर्म फिल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप गोस्ट ऑप्स पे जाओ, 3 डॉट पे क्लिक करो, वहाँ पे कोलैबोरेट ऑप्शन आएगा, कोलैबोरेट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे वॉलंटियर दिखेगा, वॉलंटियर को ओपन करोगे तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कर दो बस, और कुछ दिन वेट करो, रिवर्ट बैक करते हैं वो लोग। लाइक वो लोग बस देखते हैं कि बंदा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, किसी से भी इंट्रैक्शन कर ले, उनका सबसे मेन टास्क यही होता है। सो मेक श्योर आप खुल के बात कर रहे हो उनसे। अरे बताइए। अरे यही तो चाहिए था हमें, कैसे अभी तो कैमरा शाही था तुमने, कैसे ऐसे आ गए। अरे बस क्या कर सकते हैं। लाइक मुझे बताओ कि यार यहाँ पे आसपास घूमने के लिए कौन सी जगह बेटर पड़ेगी। बहुत कुछ है यहाँ तो, बताओ बताओ फटाफट बताओ। एक है तपकुशेरा। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 3 किलोमीटर के आसपास। और कोई जगह? और कोई है यहाँ पे डिगू वाटरफॉल। डिगू वाटरफॉल कितना दूर होगा? वो होगा 4.5 किलोमीटर। और कुछ लाइक एक बोटा विलेज है ना यहाँ पे? बोटा विलेज है, वो पूरा हाईवे जाएगा उधर से देहरादून मसूरी इधर उधर का एरिया बिल्कुल क्लियर दिखता है। ओह वाओ, लाइक यहाँ से कितना होगा? एकदम सेक्सी एरिया है वो तो लगता है गुड टू गो प्लेस है। पक्का? पक्का। चलो ठीक है फिर, वो हमने बोटा विलेज कवर किया था बट इन्होंने मुझे दिगू और तपू शेरा मुझे दिखाया नहीं, बट ये मुझे कल दिखाने वाले हैं, देखते हैं कल दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाएंगे। देखो कह दिया, देखो मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कल अगर होगी तो मैं आगे वीडियो ऐड करूंगा उसकी। हिडन जेम्स कवर करना चाहते हो, लाइक छोटे मोटे ट्रैक्स जो यहाँ से आपके गोस्ट स्टॉप से पास में है,
तो फर्स्ट में है तापुशेरा वाटरफॉल एंड एक दीगू वाटरफॉल और एक बौठा विलेज है, जैसा कि बताया था आशीष ने। तो मैं बौठा विलेज गया, बट वहाँ जाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत ऊपर पड़ता है, आपको स्कूटी की ज़रूरत पड़ेगी। और दीगू वाटरफॉल तो लाइक 1 or 2 kilometers के अंडर में होगा, और एक तापुशेरा वाटरफॉल है जो कि 2 or 3 kilometers का। तो ये है एकदम अनटच, यहाँ कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। तो ये है, मैं रुके जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये एक वाटरफॉल ये है, और मेन वो वाला है, वो देखिए, वो एकदम अनटच है, यहाँ कोई, बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं नीचे अभी जा नहीं सकता क्योंकि अंधेरा हो रहा है, और आज मेरा नहीं, कल मेरा चेकआउट है, तो कल तो पॉसिबल नहीं है। सो फिर कभी आएंगे जाएंगे यहाँ पे, बट मुझे वो देख के तो जाने का मन कर रहा है क्योंकि मुझे बहुत वॉक करके जाना पड़ेगा नीचे, और तब तक अंधेरा हो जाएगा, वो चीज़ देखने के चक्कर में। कुछ छूट रहा हो या फिर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए, एवी इंडियन AABY Indian टाइप करिए, और बस मैं आ जाऊँगा, और जो भी पूछना है आपको, क्वेरीज हैं आपकी वो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट।